पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, इस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए ये डीएनए को कन्वर्ट करता है इनटू समथिंग कॉल्ड एज द एमआरएनए। अब इसने एमआरएनए बना लिया, तो एमआरएनए बनाने के लिए इसने कौन सा प्रोसेस किया होगा? तो इसने किया होगा ट्रांसक्रिप्शन, इसने किया होगा ट्रांसक्रिप्शन, कोई बात नहीं। बट क्या तुमने अगर एमआरएनए बना लिया मेरे बॉडी में तो मेरा कुछ कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि एमआरएनए भी अपने आप को अभी एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। अब इसका करना पड़ता है समथिंग कॉल्ड एज द ट्रांसलेशन, इसका करना पड़ता है ट्रांसलेशन। और जब ट्रांसलेशन होता है तब जाकर बनता क्या है? प्रोटीन। और स्टूडेंट जैसे ये प्रोटीन बनेगा तो भाई अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब यहां पे आने वाला है क्या? द इफेक्ट। अब यहां पर आने वाला है इफेक्ट, मतलब पैथोजन मेरे को बीमार बनाने वाला है। तो स्टूडेंट अगर कोई भी पैथोजन इन्फेक्ट करता है तो पहले वो डीएनए से आरएनए बनाता है, फिर आरएनए से प्रोटीन बनाता है, और तब जाके आता है क्या? उसका इफेक्ट। लेकिन मैं नहीं चाहता यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूं? तो देखिए स्टूडेंट, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, कोई बात नहीं, आप आओ मेरे बॉडी में, आप डीएनए को इंट्रोड्यूस कर दो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आप ट्रांसक्रिप्शन करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आप एमआरएनए बनाओ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन अब इसके आगे मैं तुमको ब्लॉक करने वाला हूं। तो स्टूडेंट मैं आरएनए से प्रोटीन बनने नहीं दूंगा, मैं आरएनए से प्रोटीन बनने नहीं दूंगा। तो स्टूडेंट ये पैथोजन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। एंड दिस इज व्हाट आरएनए इंटरफेरेंस इज, मतलब मैं आरएनए को इंटरफेयर करने वाला हूं, मैं आरएनए को इंटरफेयर करने वाला हूं। कहां पे? तो ट्रांसलेशन करने से रोकूंगा। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग जो कि आपको यहां पे समझ में आना चाहिए, जो कि आपको यहां समझ में आना चाहिए कि स्टूडेंट आरएनए इंटरफेरेंस में हम लोग आखिर क्या चीज को ब्लॉक करते हैं? तो वी आर गोइंग टू ब्लॉक द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, वी आर गोइंग टू ब्लॉक द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। अब देखिए ये जो प्रोसेस है इसको आप कैसे रोकते हैं? बाय दिस प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस। तो देखो मान लीजिए कि कोई भी आरएनए है, एंड दिस इज योर एमआरएनए। अब ये तुम्हारा एमआरएनए है, बट तुम्हारा नहीं है, दिस इज द एमआरएनए ऑफ पैथोजन, दिस इज द एमआरएनए ऑफ पैथोजन। अब देखिए अगर मैं इस एमआरएनए को कट कर दूं, डिस्ट्रॉय कर दूं, डिसॉल्व कर दूं, तो क्या ये प्रोटीन बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। तो देखिए इसको कैसे करके हम लोग डिसॉल्व करते हैं, तो ध्यान दीजिए हम लोग क्या करते हैं, इसी एमआरएनए का एक कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए इसके साथ जोड़ देते हैं। अब देखिए इसी एमआरएनए का, मान लीजिए ये एक एमआरएनए है, इसी एमआरएनए का एक कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, तो स्टूडेंट मान लीजिए एक कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए मैंने इसके साथ जोड़ दिया। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट्री है इसके साथ एक कैंची लगा हुआ है, एंड दैट कैंची कैन बी एनीथिंग, मैं डिटेल में बताऊंगा। इसके साथ एक सीजर लगा हुआ है, एक राइबोन्यूक्लियस लगा हुआ है, जो कि इस आरएनए को क्या करेगा? कट कर देगा। तो स्टूडेंट दिस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए क्या करने वाला है? इसके साथ अटैच होगा, और इसके पास जो एंजाइम लगा हुआ है, दिस एंजाइम इज गोइंग टू कट, या दिस इज गोइंग टू डिसॉल्व द एमआरएनए ऑफ द पैथोजन, एमआरएनए ऑफ द पैथोजन। तो स्टूडेंट कैसे भी करके आपको पैथोजन के एमआरएनए को कट कर देना है छोटे छोटे पीसेस में, और उसे बिल्कुल बर्बाद कर देना है। अगर आप ऐसा कर पाए तो आप आरएनए इंटरफेरेंस कर पाओगे। तो अब क्वेश्चन जनरेट होता है कि सर आप ये कैसे करोगे। तो अब यहां से मेन टॉपिक शुरू हो रहा है। तो स्टूडेंट्स याद रखिए, हम लोग एक्चुअली क्या कर रहे हैं कि पैथोजन के एमआरएनए को
पैथोजन के एमआरएनए को काट देना है। कैसे काटना है? तो उसके साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए जोड़ना है, और जब वो आरएनए जुड़ेगा उस आरएनए के पास एक कैंची रहेगा, और वो कैंची क्या करेगा, इस आरएनए को काट देगा। अगर ये आरएनए कट गया तो इसके कारण से ट्रांसलेशन नहीं होगा, प्रोटीन नहीं आएगा, देयर विल बी नो इफेक्ट। अब स्टूडेंट, अब टॉपिक को थ्योरी वाइज हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन वाइज पढ़ेंगे। ये तो इसका एक बेसिस था, नाउ पे अटेंशन। सबसे पहला क्वेश्चन कि आरएनए इंटरफेरेंस को डिस्कवर किसने किया? आरएनए इंटरफेरेंस वॉज डिस्कवर्ड बाय फायर एंड मेलो। दिस वॉज डिस्कवर्ड बाय फायर एंड मेलो। मैं हमेशा बोलता हूं आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा, और ये भी यहां पे आग लगा रहे हैं, आरएनए इंटरफेरेंस। क्वेश्चन पूछेगा इस चीज को कहां पे डिस्कवर किया गया, तो दिस वॉज डिस्कवर्ड इन अ नेमाटोड। याद रखिएगा, इसको एक नेमाटोड में डिस्कवर किया गया, और जो नेमाटोड है जिसमें कि इसको डिस्कवर किया गया, प्लीज डोंट आंसर मेलोइडे गाइने इनकॉग्निसिया। ठीक है, वो एप्लीकेशन है जहां पे कि हम लोग इसको यूज करते हैं, बट इसका डिस्कवरी कहीं और हुआ है, तो इसका डिस्कवरी एक नेमाटोड में हुआ है, दैट इज योर सी एलिगेंस। इसका नाम याद रखिएगा, द सी एलिगेंस। इसमें फायर एंड मेलो ने आरएनए इंटरफेरेंस को डिस्कवर किया। अब क्यों डिस्कवर किया? आरएनए इंटरफेरेंस कोई भी नया मैकेनिज्म नहीं है, ये मैकेनिज्म यूकैरियोट्स के पास ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। दिस मैकेनिज्म, याद रखिए, जो आरएनए इंटरफेरेंस है, आरएनए इंटरफेरेंस, ये जो मैकेनिज्म है, दिस इज अ डिफेंस मैकेनिज्म, दिस इज अ डिफेंस मैकेनिज्म ऑलरेडी फाउंड इन द यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में ये ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। अब हम लोगों ने क्या देखा स्टूडेंट, हम लोगों ने क्या देखा कि अच्छा, हम लोग इस तरह के मैकेनिज्म को डेवलप कर सकते हैं, तो आखिर यूकैरियोट में ये मैकेनिज्म पहले से प्रेजेंट होता है। अब देखिए, इसमें आपको क्या चाहिए? मेरे ख्याल से अगर नीट में कोई भी क्वेश्चन आएगा आरएनए इंटरफेरेंस से, तो पहला एंड द लास्ट क्वेश्चन विल बी दैट आखिर आरएनए इंटरफेरेंस में क्या चीज का इस्तेमाल करते हो? तो आरएनए इंटरफेरेंस यूजेस, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। This uses what? Double-stranded RNA. आपको अपने क्वेश्चन पेपर में कहीं भी double-stranded RNA लिखा हुआ मिले, आपको बस और बस सोचना है RNA interference। याद रखिए, जिन लोगों को ये टॉपिक टफ लगता है, आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, आप बस याद कीजिए आरएनए इंटरफेरेंस में किसका इस्तेमाल करते हैं, डबल स्टैंडर्ड आरएनए का, बस इसी से तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा, मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। अब देखिए, अब कहीं से भी ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए लाना है, अब ये आरएनए कहां से लाओगे, तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये आरएनए कहां से आएगा? तो What is the source of the double-stranded RNA? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है कि RNA इंटरफेरेंस में डबल स्टैंडर्ड RNA कहां से लाते हो? तो देखिए, एक तरीका हो सकता है एक्सोजीनस। एक्सोजीनस का क्या मतलब है? मतलब है कि मैं बाहर से आपको डबल स्टैंडर्ड आरएनए दे दूंगा। तो सर, बाहर से देने का क्या मतलब है? तो देखिए, इट कैन बी थ्रू आइदर सम आरएनए वायरस। आप क्या कर सकते हैं, आरएनए वायरस के इंफेक्शन के द्वारा आपको मैं दे सकता हूं डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। मतलब एक ऐसा वायरस जो कि आरएनए का जीनोम रखा हुआ है,
जब वो आपको इन्फेक्ट करेगा तो वो आपके बॉडी में डबल स्टैंडर्ड आरएनए इंट्रोड्यूस कर सकता है। इसके अलावा द सेकेंड सोर्स कैन बी, द सेकेंड सोर्स कैन बी स्टूडेंट, इट कैन बी द ट्रांसपोजोम्स, दिस कैन बी द ट्रांसपोजोम्स। ये ट्रांसपोजोम्स क्या होते हैं? तो इनको बोलते हैं जंपिंग जीन्स, दे आर द मोबाइल एलिमेंट्स, दे आर द मोबाइल एलिमेंट्स। मोबाइल एलिमेंट्स का मतलब है यहाँ पे द जंपिंग जीन्स, इसका मतलब होता है यहाँ पे जंपिंग जीन्स, मतलब ऐसे जीन्स जो कि अपने पोजिशन को चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इन दोनों के थ्रू, इन दोनों के थ्रू मैं आपको डबल स्टैंडर्ड आरएनए दे सकता हूं। ये तो बाहर से देने का हुआ, बट मैं चाहूं तो आपके बॉडी में, मैं चाहूं तो आपके बॉडी में डबल स्टैंडर्ड आरएनए खुद से बना सकते हैं। तो देखिए खुद से कैसे बनाएंगे, तो खुद से बनाने का मतलब है आई एम गोइंग टू यूज सम एंडोजीनस सोर्स, आई एम गोइंग टू यूज सम एंडोजीनस सोर्स। अब जो एंडोजीनस है मतलब आपका सेल खुद से बनाएगा, तो देखिए उसमें क्या करते हैं, पैथोजेन स्पेसिफिक डीएनए, पैथोजेन स्पेसिफिक डीएनए मतलब पैथोजेन, जिस पैथोजेन से आपको बचना है उसी का स्पेसिफिक डीएनए को हम लोग ट्रांसफर करते हैं, उसी का स्पेसिफिक डीएनए को ट्रांसफर इनटू द होस्ट। लेकिन अगर तुमको होस्ट में ट्रांसफर करना है तो वेक्टर का जरूरत पड़ेगा, तो यू आर गोइंग टू यूज अ वेक्टर, यू आर गोइंग टू यूज द वेक्टर एंड दैट वेक्टर इज गोइंग टू बी विच वेक्टर, तो एग्रो बैक्टीरियम, यू आर गोइंग टू यूज हेयर द एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमोफेसियंस। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास डबल स्टैंडर्ड आरएनए को तुम्हारे सेल में बनाने के डिफरेंट तरीके हैं, क्या क्या हो सकते हैं, आरएनए वायरस के थ्रू हो सकता है, या फिर ट्रांसपोजोम्स के थ्रू हो सकता है, या फिर मैं क्या कर सकता हूं कि आप ही के सेल में डबल स्टैंडर्ड बनवा सकता हूं। बट वो कैसे बनेगा, तो पैथोजन का स्पेसिफिक डीएनए को मैं तुम्हारे सेल में इंट्रोड्यूस करूंगा यूजिंग व्हाट, यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमोफेसियंस। अब देखिए अगर तुम्हारे पास डबल स्टैंडर्ड आरएनए, अगर तुम्हारे पास डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया तो क्या होगा, अब यहां से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखिए मान लीजिए दिस इज अ डबल स्टैंडर्ड आरएनए, दिस इज अ डबल स्टैंडर्ड आरएनए व्हिच हैज बीन फॉर्मड, व्हिच हैज बीन फॉर्मड, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। अब जैसे ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनता है इसके ऊपर एक प्रोटीन काम करता है और वो होता है कौन सा प्रोटीन, समथिंग कॉल्ड एज द डाइसर प्रोटीन। तो इसके ऊपर एक प्रोटीन काम करता है जिसका नाम है डाइसर। एक्चुअली दिस इज गोइंग टू कट दिस डबल स्टैंडर्ड आरएनए इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। तो स्टूडेंट ये इसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कट कर देता है, ये इसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कट कर देता है। अब देखिए तो दे आर कॉल्ड एज द एस आई आर एन ए, इसको बोलते हैं एस आई आर एन ए, या फिर इसको बोलते हैं एम आई आर एन ए। तो स्टूडेंट व्हाट इज दिस एस आई आर एन ए और एम आई आर एन ए, तो इसका फुल फॉर्म याद रखना है, दिस इज गोइंग टू बी स्मॉल इंटरफेरिंग, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए, या फिर एम आई आर एन ए, दिस इज कॉल्ड द माइक्रो आरएनए, दिस इज कॉल्ड द माइक्रो आरएनए। तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए को मैंने ब्रेक कर दिया इनटू छोटा छोटा आरएनए, वो भी डबल स्टैंडर्ड है बट स्मॉल स्मॉल पीसेस है एंड दे आर कॉल्ड द एसआई आरएनए। अब स्टूडेंट्स देखिए क्या होता है, अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, जस्ट ओके एवरीबॉडी, एवरीबॉडी थोड़ा सा मैं देख लेता हूं, थोड़ा सा मैं देख लेता हूं कमेंट सेक्शन, कमेंट सेक्शन अच्छा चल रहा है, सारे लोगों को समझ में आ रहा है, सारे लोगों को बात समझ में आ रही है जो भी मैं बोल रहा हूं, इतना डिटेल्स क्यों, ज्यादा डिटेल्स नहीं है, मैं समराइज कर दूंगा, मैं लास्ट में समराइज कर दूंगा, अब खत्म होने वाला है, अब खत्म होने वाला है। ओके सर, ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, लेट्स कंटिन्यू, लेट्स कंटिन्यू। ओके सर, तो आप देखिए यहां पे कि ये डबल स्टैंडर्ड को मैंने एसआईआरएनए में कन्वर्ट किया। अब यहां पे ध्यान दो,
ये जो तुम्हारा siRNA होता है, ये जो तुम्हारा siRNA होता है, इसमें ध्यान दीजिए, ये तुम्हारा डबल स्टैंडर्ड है, ये तुम्हारा डबल स्टैंडर्ड है। डबल स्टैंडर्ड में इसका एक स्ट्रैंड को हम लोग बोलते हैं द गाइड आरएनए, एक को बोलते हैं द गाइड आरएनए और दूसरे को बोलते हैं द पैसेंजर आरएनए। एक को बोलते हैं गाइड आरएनए और एक को बोलते हैं पैसेंजर आरएनए। मेरे को पता है थोड़ा सा टफ लग रहा है बट इंपॉर्टेंट है। इसी चीज को एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, द सेंस आरएनए एंड एंटी सेंस आरएनए। तो स्टूडेंट, दिस इज पैसेंजर आरएनए एंड द गाइड आरएनए। अब देखिए अब क्या होगा, अब जो ये वाला siRNA है, ये क्या करेगा, ये कुछ siRNA जो है, अब ये जो siRNA है, अब खत्म हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ये जो तुम्हारा siRNA है, this will get attached to a other enzyme group called as the argonaut, with the argonaut, तो ये argonaut के साथ कंबाइन करेगा। अब जब ये argonaut से कंबाइन करेगा तो देखिए होता क्या है, होता क्या है, दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस, ये तुम्हारा छोटा siRNA हो गया एंड दिस इज गोइंग टू गेट अटैच्ड टू द argonaut, ये argonaut के साथ कंबाइन कर गया, ये argonaut के साथ कंबाइन कर गया एंड नाउ इट हैज फॉर्मड अ कॉम्प्लेक्स एंड दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड रिस्क, दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड रिस्क। अब देखिए अभी तक मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें बता रहा था बट रिस्क एग्जाम में आया हुआ है, रिस्क एग्जाम में आया हुआ है। नाउ व्हाट इज दिस रिस्क, ये रिस्क का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए ये जो रिस्क होता है स्टूडेंट, दिस इज आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब देखिए जैसे ये आर्गोनॉट के साथ कंबाइन करेगा, अब मेरे को इस रिस्क को एक्टिवेट करना है, अब मेरे को इस रिस्क को एक्टिवेट करना है, तो जैसे ये एक्टिवेट होता है, जैसे ये एक्टिवेट होता है, इसमें तुम्हारा जो एक स्ट्रैंड था दैट इज द पैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड, वो यहां से सेपरेट हो जाता है, वो यहां से सेपरेट हो जाता है, तो यहां पे कौन बचता है, तो देखिए द पैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड, द पैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड सेपरेटेड, पैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड सेपरेटेड। तो इसमें क्या बचेगा, तो इसमें बचेगा एक तुम्हारा सिंगल स्ट्रैंड, एक तुम्हारा सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, तो ये तुम्हारा सिंगल स्ट्रैंड का आरएनए हो गया, और स्टूडेंट इसमें क्या लगा हुआ रहेगा, तो इसमें लगा हुआ रहेगा आर्गोनॉट, इसमें लगा हुआ रहेगा आर्गोनॉट। तो ये है तुम्हारा एक्टिवेटेड रिस्क, दिस इज द एक्टिवेटेड रिस्क। तो सर अब ये एक्टिवेटेड रिस्क क्या करेगा, तो अब ये एक्टिवेटेड रिस्क वेट कर रहा है कि भाई पैथोजेन आओ, पैथोजेन आओ, और स्टूडेंट वो पैथोजेन जैसे आएगा, तो पैथोजेन का ये एमआरएनए है, दिस इज द पैथोजेन का एमआरएनए, और पैथोजेन के एमआरएनए के साथ ये कंबाइन करेगा, पैथोजेन के एमआरएनए के साथ ये कंबाइन करेगा, क्योंकि ये और ये इसके क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अब जैसे ये इसके साथ कंबाइन करेगा, जैसे ये इसके साथ कंबाइन करेगा, तो मैंने शुरू शुरू में ही आपको बताया कि ये क्या करने वाला है, ये पैथोजेन के एमआरएनए को काट देगा, डिसॉल्व कर देगा, और पैथोजेन आरएनए से नहीं बना पाएगा प्रोटीन, दिस इज कॉल्ड आरएनए इंटरफेरेंस। तो इतना लंबा चौड़ा कहानी है आरएनए इंटरफेरेंस का, इतना लंबा चौड़ा कहानी है आरएनए इंटरफेरेंस का। अब तुम बोलोगे कि सर इतना सारा चीज कैसे याद रखेंगे, इतना सारा चीज कैसे याद रखेंगे, तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, आपको किन चीजों को कम से कम याद रखना है, आपको किन चीजों को कम से कम याद रखना है, पे अटेंशन टू दिस, सो पे अटेंशन, कम से कम आप याद रखिएगा, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं आपसे, जस्ट ध्यान दीजिए कि व्हाट इज द कोर रिक्वायरमेंट, कोर रिक्वायरमेंट क्या है, तो कोर रिक्वायरमेंट हेयर इज द डबल स्ट्रैंडेड आरएनए,
आपको चाहिए डबल स्टैंडर्ड आरएनए। अब जो ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, इसमें जो छोटे छोटे आरएनए होते हैं वो कौन कौन है, तो वो है एसआई आरएनए, याद रखिएगा, और क्या है एमआई आरएनए, ये याद रखिएगा। अब स्टूडेंट यू शुड नो कि जो तुम्हारा डबल स्टैंडर्ड आरएनए था उसको कट किसने किया, तो उसको कट किया था डाइसर ने, उसको कट किया था डाइसर ने। फिर आपको याद रखना है कम से कम द थर्ड पॉइंट यू शुड रिमेंबर कि रिस्क का फुल फॉर्म क्या होता है, रिस्क का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है आरएनए इंड्यूस्ड, इट इज नॉट आरएनए इंटरफेरेंस, ये क्या होता है आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब आखिर ये रिस्क कैसे बना है, तो रिस्क इज इक्वल टू एसआई आरएनए प्लस आर्गोनॉट। देन स्टूडेंट दूसरा याद रखिएगा, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, आइदर आप वायरस के इंफेक्शन से ले सकते हैं, बट कैसा वायरस होना चाहिए, आरएनए वायरस होना चाहिए। दूसरा मैंने आपको बताया था ट्रांसपोजोम्स, ये होना चाहिए, या तीसरा मैंने बताया था एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफर, तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए कि भाई क्या क्या चीज का कहां कहां पे रिक्वायरमेंट है। एक बार आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको लगभग सारा चीज क्लियर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसका एक एप्लीकेशन आपके बुक में दिया हुआ है, तो उस एप्लीकेशन के बारे में पढ़ लेते हैं, तो यार वो एप्लीकेशन क्या है, व्हाट इज दैट एप्लीकेशन। तो आरएनए इंटरफेरेंस को हम लोगों ने यूज किया है अगेंस्ट अ नेमाटोड, याद देखिए अगेंस्ट अ नेमाटोड, और ये जो नेमाटोड था, दिस नेमाटोड इज नेम्ड एज द मेलोइडे गाइने इनकॉग्निसिया। आखिर ये नेमाटोड क्या करता है, तो ये नेमाटोड स्टूडेंट रूट्स ऑफ द टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट करता है, दिस इज गोइंग टू इन्फेक्ट द रूट्स ऑफ द टोबैको प्लांट, और इसके कारण से देयर इज डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ टोबैको, अब बताइए टोबैको का प्रोडक्शन कम हो गया तो क्या प्रॉब्लम हो गया यार, लेकिन साइंटिस्ट लोग से देखा नहीं गया, वो लोग बोला नहीं भाई टोबैको का प्रोडक्शन कम हो रहा है, आई शुड यूज आवर बेस्ट टेक्नोलॉजी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज किया गया आरएनए इंटरफेरेंस को। होप स्टूडेंट्स आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया, अगर अच्छे से समझ में आया है, अगर 50% भी समझ में आया है, तो स्टूडेंट चलिए जल्दी से लाइक बटन दबा दीजिए और एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए कि मजा आया कि नहीं, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक करूंगा। चलिए कम ऑन, वेटिंग फॉर योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन, ओके कम ऑन जल्दी। ओके, वेटिंग फॉर एवरीवन्स कमेंट। चलिए सर, व्हाट इज आर्गोनॉट, जैसे कि मैंने बताया आर्गोनॉट क्या होता है, आर्गोनॉट एक प्रोटीन है, एक एंजाइम है जो कि आरएनए को कट कर सकता है, ठीक है। ओके सर जी, सर प्लीज डू और डाई डेली करो, जरूर डेली करेंगे। देखिए प्रॉब्लम क्या होता है कि जब मैं डू और डाई करता हूं तो फिर बहुत सारे लोग मैसेज करने लगते हैं कि सर इतना क्यों पढ़ाते हो, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा दो और टॉपिक खत्म कर दो, तो फिर मैं क्या करूं तो हम लोग को थोड़ा देखना पड़ता है कि आखिर स्टूडेंट्स का क्या डिमांड है। कुछ लोग बोलते हैं कि केवल एमसीक्यू करा दो,
कुछ लोग बोलते हैं कि टॉपिक्स पढ़ा दो, तो देर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी नीड टू डू, तो दिस इज द रीजन व्हाट हैपेंस। अगर आप लोग तैयार हैं डू और डाई रोज करने के लिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आना पड़ेगा रोज रोज, ठीक है, तभी जाके मैं पढ़ाऊंगा। चलो चलो चलो, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अब हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ते हैं, लेट्स इंजॉय, लेट्स इंजॉय। और देखो यार, यहां पे कुछ लोग, प्लीज मेरे को पता है, मेरे को पता है। अब आ रहा है नेक्स्ट टॉपिक, अब आ रहा है नेक्स्ट टॉपिक। चलिए, अरे यार हो जाएगा ना तुम लोग को, देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, मैं आपको बताता हूं, मैं आप लोग को एक चीज बताऊं। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर कंप्लीट हो जाएगा ना, सर कंप्लीट हो जाएगा ना, सर आपने 500 टॉपिक बोला था कर लोगे ना। अरे यार, जो फ्यूचर है उसके बारे में क्यों सोचते हो, अभी के बारे में सोचो ना यार। आपके पास सामने में कुछ पैसे गिरे हुए हैं और कुछ पैसों को मैंने छुपा कर रखा है, आप किन पैसों को लेना चाहोगे? जो सामने में है पहले उसे उठाओ, पॉकेट में भरो, लाइफ का मजा लो। यू पीपल, याद देखिए, आपका जो क्यूरियोसिटी है ना वो आपको बहुत दूर लेके चला जाता है। पहले जो सामने है, पहले जो दिख रहा है उसको लूट लो यार, आएगा। मैं पूरा कोशिश कर रहा हूं ज्यादा से ज्यादा क्लासेस लेने का। चलिए चलिए, नाउ लेट्स स्टार्ट, नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। यस, ये आया नेक्स्ट टॉपिक ऑन द स्क्रीन, ये आया नेक्स्ट टॉपिक ऑन द स्क्रीन, एंड दिस इज अ गोल्डन राइस, गोल्डन राइस। अब देखो, ये एक ऐसा टॉपिक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको कि क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले आप आंसर लिख सकते हो, क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले आप आंसर लिख सकते हो। ये क्वेश्चन हर साल नीट में आता है, ये क्वेश्चन हर साल नीट में आता है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग भी इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला चीज, ये गोल्डन राइस होता क्या है, ठीक है। तो स्टूडेंट, दिस इज अ राइस विच इज रिच इन गोल्ड, विच इज रिच इन गोल्ड, सही बताया क्या? नो सर, बिल्कुल भी इसमें गोल्ड नहीं है। याद रखिए, दिस इज अ राइस विच इज येलो इन कलर, दिस इज हैविंग येलो ग्रेन कलर। और यहां पे हम लोग क्या सीखते हैं कि हर पीली चीज सोना नहीं होती, बस वही है हमारा गोल्डन राइस। कि दिस गोल्डन राइस को गोल्डन राइस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये येलो ग्रेन का कलर्स होता है। अब सर जी, why this is yellow in color, because इसके जो ग्रेन्स होते हैं they are rich in vitamin A, they are rich in vitamin A, इसके पास जो पिगमेंट है this is your beta carotene, जो का कि कलर क्या होता है, येलो होता है। तो सर जी, क्या जरूरत पड़ गई ऐसे राइस को बनाने के लिए? नॉर्मल राइस, व्हाइट व्हाइट राइस, जिंदगी मस्त मस्त चल रही थी, क्या जरूरत पड़ी आपको येलो राइस बनाने की? तो देखिए, ये जो विटामिन ए का डेफिशिएंसी है, ये जो विटामिन ए का डेफिशिएंसी है, इससे प्रॉब्लम क्या होता है? तो मैं पूछूंगा तो सारे लोग बोलेंगे सर नाइट ब्लाइंडनेस होता है। वेरी गुड, विटामिन ए के डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। अब मान लो आपको रात में नहीं दिख रही है, क्या करोगे? रात में देख के करोगे क्या यार, ऐसे भी नहीं दिखता है। तो ये जो वर्ड एक्चुअली होता है नाइट ब्लाइंडनेस, ये गलत नाम दिया गया है। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब क्या होता है कि जब दिन और रात के बीच का समय होता है, मतलब एकदम शाम वाला समय, जबकि बहुत ज्यादा धुंधला धुंधला दिखता है तो हम लोग को मस्त दिखता है, लेकिन ये जो लोग हैं जो कि नाइट ब्लाइंड होते हैं, इन लोगों को उस समय भी नहीं दिखता है, एकदम बोके लोग हैं, एकदम इन्हें कुछ नहीं दिखता है। तो स्टूडेंट, इन्हें उस समय भी नहीं दिखता है, दिस इज कॉल्ड अ नाइट ब्लाइंडनेस। बट अगर केवल उतना ही रह के रुक जाता तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं था, दिस इज गोइंग टू प्रोग्रेस, दिस इज गोइंग टू प्रोग्रेस। और ये प्रोग्रेस होते हुए क्या कराता है, समथिंग कॉल्ड एज द जेरोप्थैल्मिया, समथिंग कॉल्ड एज द जेरोप्थैल्मिया। ये उसके बाद एक और स्टेज में जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द कैरेटोमेलेसिया, समथिंग कॉल्ड एज द कैरेटोमेलेसिया। अब देखिए, पहले नाइट ब्लाइंडनेस था, कोई बात नहीं, फिर जेरोप्थैल्मिया हुआ, फिर कैरेटोमेलेसिया हुआ,
अब ऐसा हो गया है कि दिस इज गोइंग टू काउज टोटल ब्लाइंडनेस, दिस इज गोइंग टू काउज टोटल ब्लाइंडनेस। तो देखिए सर आप ये सब क्यों बता दिया, याद देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विटामिन ए डेफिशिएंसी से। नाइट ब्लाइंडनेस सबको पता है, नाइट ब्लाइंडनेस सबको पता है। अब आपको आंसर पता होना चाहिए जेरोप्थेल्मिया, आपको आंसर पता होना चाहिए केराटोमेलेसिया। पहले तो केवल रात में नहीं दिखता था, आजकल दिन में भी नहीं दिखता है। तो मजा आया क्या? अगर स्टूडेंट सारे लोग ऐसे हो गए तब तो भाई बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। We can't have a world, we can't have a world who is having only and only blind peoples. अंधे लोग अगर हमारे दुनिया में रहेंगे तो ये दुनिया सरवाइव नहीं करने वाली है। आप बोलोगे कि सर आपको तो अच्छा दिखता है, मेरे को तो अच्छा दिखता है, दूसरा अंधा है तो हमें क्या प्रॉब्लम है? स्टूडेंट प्रॉब्लम है, अगर आप रोड पे गाड़ी चला रहे हो तो उधर से जो आ रहा है उसको भी दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अंधे लोग चला रहे हैं और उसमें आप भी गाड़ी लेके घुस गए, भले ही आपको दिखता है फिर भी अगर उसे नहीं दिखेगा फिर भी एक्सीडेंट होगा। तो वी कांट अफोर्ड अ वर्ल्ड जिस वर्ल्ड में केवल अंधे ही अंधे हो, तो वी नीड द पीपल हु हैव गुड आईसाइट। तो स्टूडेंट इस विटामिन ए डेफिशिएंसी को सॉल्व करना होगा। तो सर सबको बोल दो कि विटामिन ए खा लो। अरे यार बोला, कितने बार बोला बट लोग खाते नहीं है। तो हम लोगों ने सेलेक्ट किया राइस को। तो सर राइस को क्यों सेलेक्ट किया? तो अब यहां पे देखिए व्हाई राइस वाज सेलेक्टेड, व्हाई राइस वाज सेलेक्टेड। अब देखो आप इस क्लास में जितने लोग हैं सबसे पूछो कि भाई दिन भर में क्या क्या चीज खाते हो। बहुत सारे फूड्स वो लोग बताएंगे, बहुत सारे चीज सिमिलर होंगे बट बहुत सारे चीज डिससिमिलर होंगे। हर कोई अलग अलग टाइप का फूड खाता है बट थ्रू आउट द वर्ल्ड एक फूड सबको ही खाता है और वो है राइस। तो दिस इज द फर्स्ट रीजन कि कुछ खाएगा या नहीं खाएगा बट राइस जरूर खाएगा। तो स्टूडेंट द फर्स्ट थिंग राइस इज अ स्टेपल फूड। राइस जो होता है वो एक स्टेपल फूड होता है फॉर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में ये एक स्टेपल फूड है, हर कोई इसे खाता है। तो इस कारण से अगर इसमें हम लोग विटामिन ए डाल देते हैं तो भाई पक्का विटामिन ए खाएगा। और दूसरा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, द सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो कलर चेंज करते हैं। ये जो तुम्हारा विटामिन ए का जो सिंथेसिस है, विटामिन ए का जो सिंथेसिस है उसका जीन ऑलरेडी प्रेजेंट होता है इन द राइस। इसका जीन इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द राइस। तो सर अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो कहां है ये? तो देखिए होता क्या है कि दिस जीन इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द राइस एंड दिस एक्सप्रेसेस इन द लीफ बट फेल्स टू एक्सप्रेस कहां पे? तो इन द ग्रेन्स। तो स्टूडेंट लीफ तो हम लोग खाएंगे नहीं, हम लोग क्या खाएंगे? तो हम लोग तो ग्रेन्स खाएंगे बट ग्रेन्स में जीन प्रेजेंट है बट ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है। देखिए स्टूडेंट एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हमारे बॉडी में ऊपर से नीचे तक जितने भी सेल्स होते हैं सारे सेल्स के पास सेम सेट ऑफ जीन्स होते हैं बट प्रॉब्लम इज सारे जीन्स हर सेल में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं इंसुलिन का जीन। तो इंसुलिन का जीन मेरे माथे पे भी है, मेरे हाथ में भी है, मेरे पैर में भी है, मेरे लिवर में भी है, पेनक्रियास में भी है, ब्रेन में भी है, सब जगह है। बट क्या इंसुलिन सब जगह बनता है? नहीं बनता है। इंसुलिन का जीन अपने आप को केवल और केवल एक्सप्रेस करता है इन द पेनक्रियास। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट यू शुड ऑलवेज नो कि जीन कैन बी प्रेजेंट बट जीन विल नॉट श्योरली एक्सप्रेस इन ऑल द सेल्स। तो विटामिन जो ए का जीन है वो राइस में ऑलरेडी प्रेजेंट है, लीव्स में एक्सप्रेस भी करता है बट ग्रेन्स में एक्सप्रेस नहीं करता है।
अब कुछ करना है जिससे कि तुम इस चीज को एक्सप्रेस करवा लो। तो देखिए स्टूडेंट, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने टू जीन्स फॉर सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए, दैट इज द बीटा कैरोटीन को हम लोगों ने ट्रांसफर किया ट्रांसफर टू द नॉर्मल राइस। तो सर, ये दो जीन्स के सोर्स क्या क्या हैं, तो दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, एक सोर्स, पहला सोर्स है डेफोडिल प्लांट। ये क्वेश्चन आ सकता है, द पहला सोर्स है डेफोडिल प्लांट और दूसरा सोर्स है एक बैक्टीरिया, जिसका नाम है अरविनिया, तो स्टूडेंट्स यू नीड टू रिमेंबर दीज टू। तो स्टूडेंट्स, क्या मैंने बताया कि दो जीन्स हैं, एक जीन है तुम्हारा डेफोडिल और डेफोडिल प्लांट से लिया और एक लिया फ्रॉम द बैक्टीरिया अरविनिया। अब देखिए, व्हाट आर दीज जीन्स, किन जीन्स को यहां पे लिया गया, तो यहां से लिया गया द फायोटीन, स्टूडेंट्स डू रिमेंबर, यहां से क्या लिया गया, फायोटीन सिंथेज, और यहां से लिया गया अगेन द फायोटीन डीसैचुरेस। तो ये दो जीन्स का नाम याद रखना है जिसको कि हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया किसमें, नॉर्मल राइस में, और इसके कारण से सिंथेसिस हो गया क्या चीज का, विटामिन ए का। होप एवरीबॉडी गॉट दिस। तो दिस इज ऑल अबाउट द गोल्डन राइस। जल्दी से लाइक बटन दबाइए, मजा आ जाएगा। ओके सर, अब थोड़ा कमेंट सेक्शन देखते हैं। ओके सर, अब यहां पे थोड़ा सा कुछ लोगों का कमेंट सेक्शन देख लेते हैं, अरे यार क्या कर रहे हो, प्लीज आप लोग ध्यान दो यार, इतना ज्यादा मैं आपको बता रहा हूं, इतने अच्छे अच्छे चीज। सर क्लास का टाइम एक्सटेंड कर दो, अरे जरूर, नीट पोस्टपोन्ड। मैं एक बार भी इस तरह के वीडियोस नहीं बनाता। मैंने आपको कितनी बार बोला, देखो यार मैं चाहूं तो मैं भी यहां पे वीडियोस लगा सकता हूं कि क्या नीट होगा पोस्टपोन्ड, अगले 15 दिन में नीट की तैयारी कैसे करें। देखिए ये सब चीज मैं करने नहीं आया हूं, मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। आई एम टेलिंग यू दिस आर द वन ऑफ द बेस्ट क्लासेस दैट यू आर गेटिंग ऑन द यूट्यूब चैनल। इतना नॉलेज, इतना क्लियर ढंग से कोई नहीं बताएगा आपको। अब आप लोग बोलोगे कि सर ये क्वेश्चन आएगा क्या, अगर आपने लास्ट ईयर भी नीट दिया था तो दिस लाइन वॉज मेंशन इन द पेपर कि गोल्डन राइस में द जीन वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द डेफोडिल प्लांट। चेक कीजिएगा क्या ये लाइन लिखा हुआ था कि नहीं लिखा हुआ था। सो यू हैव टू पे अटेंशन, प्लीज प्लीज स्टूडेंट्स। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हाँ दुनिया 29 को खत्म हो रही है भाई, मजा आ जाएगा। 29 को क्यों खत्म हो रही है, अगर मेरा बस चले तो, अगर 3 मई को एग्जाम है तो 2 मई को दुनिया खत्म करूं, 2 महीने तक आप लोग को पूरा मेहनत कराऊंगा, दिन रात आपको पढ़ाऊंगा और जैसे एग्जाम देने वाले हो गए दुनिया खत्म हो जाएगी, मजा आएगा। तो स्टूडेंट्स ऐसा ना सोचिए प्लीज, अब भी याद देखिए कि ये सब चीजें कभी भी नहीं होंगी, जब जो आप सोचोगे वो नहीं होने वाला है। आप देखोगे जितने बार भी लोग प्रेडिक्ट करते रहेंगे कि अब दुनिया खत्म होगी, दुनिया जिस दिन खत्म होगी ना यार, मैं आपको बताता हूं, उस दिन कोई भी सोचा नहीं होगा उसके बारे में। ये होता है, दिस इज नेचर। नेचर कभी भी प्रेडिक्टेड चीजें नहीं करता है, नेचर इज ऑलवेज अनप्रेडिक्टेबल। इस कॉन्सेप्ट को हमेशा समझिए अपने लाइफ में, जब भी आप सोचोगे कि भाई इतने तारीख को ये होगा, नहीं होने वाला है, ऑलवेज द अनएक्सपेक्टेड इज गोइंग टू हैपन, चलिए कम ऑन, नाउ लेट्स स्टार्ट टू द टॉपिक। और ये रहा नेक्स्ट टॉपिक, आग लगाओ टॉपिक, फिर से आ रहा है, और कहां गया, आया
फ्लेवर सेवर टोमेटो। देखिए आज कितने अच्छे अच्छे टॉपिक्स बायोटेक्नोलॉजी के लेके आया हूं, फ्लेवर सेवर टोमेटो। तो सर जी इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है? आहा, टोमेटो, टोमेटो तो सबको जानते हो यार। अब देखिए ये जो टोमेटो होता है ना, सबसे पहला इसका नाम देखो, इसका नाम देखो फ्लेवर। तो एक ऐसा टोमेटो है जो कि रिच होता है, जो कि रिच होता है इन फ्लेवर। आहा मजा आ गया, रिच इन फ्लेवर, वेरी गुड। बट नॉट ओनली रिच इन फ्लेवर, नेक्स्ट वर्ड क्या है? सेवर। सेवर का मतलब होता है कि इट हैज गॉट प्रोलॉन्ग्ड, इट हैज गॉट प्रोलॉन्ग्ड फ्लेवर, प्रोलॉन्ग्ड फ्लेवर। अब सर जी इस टोमेटो में फ्लेवर इतना लंबा समय तक क्यों जा रहा है? Because the reason is this tomato shows delayed ripening. This tomato shows delayed ripening. तो सर जी ये delayed ripening, देखिए मैं आपको बताता हूं, जो ये टोमेटो की खेती होती है ना, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि बहुत फास्ट राइपनिंग करता है ये। खेतों में ही इतना फास्ट पकता है कि खेत से ट्रांसपोर्ट होते होते जब तक कि ये मार्केट में आता है तब तक रास्ते में ही बहुत ज्यादा टोमेटो खराब हो जाते हैं। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद द टोमेटो। अगर आप थोड़ा भी एग्रीकल्चर के बारे में जानते हैं तो टोमेटो बहुत फास्ट राइपन होता है, ट्रांसपोर्ट का टाइम ही नहीं देता है, रास्ते में ही खराब हो जाता है, बट हम नहीं चाहते हैं, बिकॉज इससे हमारे जो एग्रीकल्चर वाले जो भी फार्मर्स हैं उनको बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले कोई भी फ्रूट पकता कैसे है, कोई भी फ्रूट पकता कैसे है, इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज आपको होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, मान लीजिए एनी फ्रूट, या देखिए अनराइपेंड फ्रूट, कोई भी अनराइपेंड फ्रूट है, जैसे कि मान लीजिए कि भाई आपके पास एक कच्चा आम तो सब किसी ने देखा होगा, उसको टच भी किया होगा, बहुत हार्ड होता है। क्यों ऐसा होता है? तो देखिए अनराइपेंड फूड में जो यहां पे सेल वॉल होता है, जो तुम्हारा सेल वॉल होता है, तो सेल वॉल में जो मिडिल लैमेला होता है, This is made up of calcium pectate. ये क्या चीज का बना होता है? Calcium pectate. और जो ये calcium pectate होता है ना, this gives the hardening to the cell wall. तो ये तुम्हारा क्या करता है? Hardening करता है. Hardening to the cell wall. और इस कारण से जो फ्रूट होते हैं, जो कच्चे फ्रूट्स होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं. Now see what happens. There is a gene called PG gene. एक जीन होता है जिसको प्यार से बोलते हैं, मैं पूरा नाम दूंगा इसका PGU gene. तो सर ये PGU gene क्या होता है? तो this is a gene that codes for a enzyme and the enzyme का नाम है polygalactouronase. ये नाम याद रखिएगा, PGU, polygalactouronase. ये जो एंजाइम होता है ये क्या करता है? This dissolves the calcium pectate. अब आप बताओ अगर कैल्शियम पेक्टेट डिसॉल्व हो गया तो क्या ये हार्ड रहेगा? तो this is going to cause the softening that is the ripening. तो मैंने क्या देखा कि ये ripening किस कारण से हो रहा है? तो this ripening is due to this enzyme. और ये enzyme कहां से आ रहा है? तो this enzyme is coming from this PGU gene. अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि मैं इस PGU gene को काम करने ही नहीं दूंगा, मैं इस PGU के जीन को काम करने ही नहीं दूंगा, सर ऐसा करोगे सर? यस सर, तो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। तो देखिए देखिए स्टूडेंट कैसे करके इसको काम करने नहीं देते हैं। तो ये जो तुम्हारा PGU का जीन है, तो जीन क्या होता है? दिस इज अ सेगमेंट ऑफ DNA. तो स्टूडेंट वी आर गोइंग टू टेक द DNA. अब जो ये DNA है ये तो डबल स्टैंड होगा,
ये तो डबल स्टैंड होगा। अब डबल स्टैंड डीएनए पहले क्या बनाएगा, पहले बनाएगा एमआरएनए, तो दिस इज गोइंग टू बी सिंगल स्टैंडर्ड। अब आरएनए से क्या बनना है, अब आरएनए से बनना है प्रोटीन, नहीं बनाने देंगे, एमआरएनए से प्रोटीन नहीं बनाने देंगे। तो स्टूडेंट अगर प्रोटीन नहीं बना तब तो ये कभी भी फ्रूट सॉफ्ट नहीं होगा, तो ये कैसे करोगे सर, तो ये करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी इंट्रोड्यूस द एंटीसेंस एमआरएनए। हम लोग